बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा के सुपौल पहुंचने पर उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जिला भाजपा कार्यालय प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मंत्री ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की सराहना की, साथ ही संगठन को लेकर भी कई अहम बातें कही। मालूम हो कि मंत्री के पहली बार सुपौल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल देखा गया और सुपौल जिले भर में कई जगहों पर उनका स्वागत किया गया। देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं। संगठन के नीचे दायित्व से लेकर के और पार्टी ने आज यहाँ तक का दायित्व दिया है, तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र के जनता का, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता का, सबके मन में हमारी सरकार के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति एक अच्छा संदेश गया है। और इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता हों या जनता हो, उनको लगता है कि हमारे घर का भाई, हमारे घर का बेटा को यह दायित्व मिला है, इसलिए वह उत्साहित आपको दिख रहे हैं। चौहाना और तिलेश्वर को अक्सर आवाज़ उठती रही है कि से पर्यटन स्थल और आपके इस आगमन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें क्या इसके लिए? नहीं, देखिए, आपने जो बताया पर्यटन के दृष्टि से, यह पर्यटन विभाग इसको देखती है। हम लोग के तरफ से पुरातात्विक दृष्टि से यदि कोई स्थल रहता है तो हम लोग उसको, यदि हमारे पास उसकी जानकारी दी जाती है तो हम लोग उसका सर्वेक्षण करते हैं और उस दृष्टि से उस जगह को हम लोग विकसित करने का काम करते हैं। आपने ध्यान आकृष्ट कराया है, यदि हमको इसमें पर्यटन विभाग को भी यदि कुछ भेजने की आवश्यकता होगी आपके तरफ से, यदि हम उनको कोई यदि यहाँ आवेदन प्राप्त होगा तो हम उसको भेजने का काम करेंगे। और पुरातत्विक दृष्टि से भी यदि हमको इसकी जानकारी लेना होगा तो हम उसको भी भेज करके अपने विभाग के माध्यम से हम उसको करने का काम। ओलंपिक सर इस बार काफ़ी उम्मीदें जगा दी, आपका विभाग है, क्या इस इलाके में लगता है कि खेल के मामले में कुछ विकास? निश्चित रूप से कमी नहीं है सिर्फ संसाधन, निश्चित रूप से हम जब से हमारे केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया गया, तो निश्चित रूप से उसका असर आपको इस बार के ओलंपिक में दिखने को मिला है। भारत जिसका कोई स्थान नहीं होता था मेडल में, आज 50 से नीचे में भारत का स्थान आया है। और पैरालंपिक में भी आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग मेडल ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है और जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि देश में मात्र 5 राज्य में खेल विश्वविद्यालय था, अन्य सभी राज्यों को इन्हीं विश्वविद्यालय से वहाँ के खिलाड़ियों को इसकी डिग्री दी जाती थी, लेकिन बिहार अब 6ठा राज्य होने जा रहा है। हम लोगों ने विधानसभा से इस खेल विश्वविद्यालय को पारित करा करके और महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आने वाला समय में बिहार में खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी संभावनाएं बन रही है और आने वाले समय में ओलंपिक में इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा। उसी इलाके में प्ले ग्राउंड की भी काफ़ी, हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए एक खेल भवन 6.5
6,61,00,000 की राशि से भी हम लोगों को बनाना है, जो आने वाले समय में जिसका कार्य प्रारंभ हो। हम लोग प्रत्येक राज्य के प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम बनाने की हमारी योजना है, और आपके ज़िले में भी 9 प्रखंड से हमारे यहाँ प्रपोजल पहुँच चुका है। हम लोग उसको स्वीकृत करने जा रहे हैं। 2 जगह से और हम लोगों को बसंतपुर और निर्मली से, जहाँ से अभी प्रस्ताव नहीं मिला है, हमने पदाधिकारी से बात की है, यहाँ से भी हमारे पास प्रस्ताव जाएगा। जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ जो लोग चाह रहे थे वहाँ से भूमि उपलब्ध नहीं हो रहा है, अब कोई दूसरे पंचायत से मैं यदि जहाँ भूमि उपलब्ध होगा वहाँ का प्रस्ताव यहाँ से जाएगा, और बहुत जल्द हम लोग इन सारे स्टेडियम को स्वीकृत करेंगे और आपको सभी प्रखंड में प्रखंड स्टेडियम के रूप में दिखाई देने लगेगा आने वाले समय में खिलाड़ियों को। R9 भारत के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट। आगामी 8 सितंबर को MSU दरभंगा एम्स में हुई देरी के खिलाफ सरकार को जगाने हेतु सांकेतिक शिलालांज सह आंदोलन करने जा रही है। विगत 1 अगस्त से मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने दरभंगा एम्स के शिलालांज के लिए गांव-गांव में जाकर ईंट जमा शुरू किया था। इसी के कड़ी में अब आगे MSU 8 सितंबर को दरभंगा एम्स संबंधित आंदोलन को मूर्त रूप देने जा रहा है। नागपुर एम्स 2014 में घोषित हुआ था, मात्र 4 साल के अंदर 2018 में बनकर तैयार हो गया और अब सेवा में है। गोरखपुर एम्स 2014 में घोषित हुआ, 2016 में शिलालांस किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और मात्र 3 साल के अंदर 2019 में OPD शुरू हो गया और अब सेवा में है। 2018 में तेलंगाना में एम्स घोषित हुआ, पार्शियली फंक्शनल है, और 2017 में देवघर राजकोट में एम्स घोषित हुआ, दोनों जगह क्लास स्टार्टेड है। 2015 में विजयपुर बिलासपुर गुवाहाटी में घोषित हुआ, क्लासेस शुरू है। वहीं दरभंगा एम्स आज तक इंतजार कर रहा है। सरकार, नेता और पार्टियां बार बार घोषणाएं करती हैं लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है, इसलिए MSU ने तय किया है कि अब खुद जनता दरभंगा एम्स का शिलालांस करेगी। MSU ने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर एक विस्तृत आंदोलन की रूपरेखा तैयार करी। पिछले 37 दिन तक MSU सेनानी टीम बनाकर गांव-गांव गए, घर घर से दरभंगा एम्स के शिलालांस के लिए ईंटें जमा किया। 5 सप्ताह की तैयारी के बाद 8 सितंबर को दरभंगा में हजारों लोगों के समक्ष एम्स के लिए प्रस्तावित जगह पर ईंटें लेकर आएंगे। इसके लिए संगठन ने विभिन्न स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के सेनानी ईंट जमा करने वाले गांव में जाने लगे और वहां से लोगों से दरभंगा एम्स के लिए ईंट जमा करने का अभियान शुरू चुका है। इतनी तैयारी और पूर्व सूचना के बावजूद प्रशासन ने परमिशन देने में आनाकानी की और निषेधात्मक आदेश जारी किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने मौखिक रूप से सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रेस वार्ता को MSU के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप मैथिल, राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार संतोष मिश्रा जी ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में MSU के सेनानियों के अलावा संगठन में शुभचिंतकों में MRNS महासचिव राजेश झा, रिपीट MLSM कॉलेज पूर्व प्रधानाचार्य विद्यानाथ जी, जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, छात्र नेता अमन सक्सेना, अनिश चौधरी, विकास चौधरी, अर्जुन कुमार दास, आदित्य मिश्रा, नारायण मिश्रा, गोविंद झा आदि मौजूद। एम्स निर्माण में को लेकर आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, प्रतीकात्मक विरोध, उसके तहत आप लोग शिलान्यास करेंगे, क्या योजना है और किस तरह की अनुमति आप लोगों को प्रशासन से मिली है, कैसी व्यवस्था होगी, क्या करेंगे आप? हम लोगों ने 1 अगस्त को यह घोषणा किया था कि दरभंगा के साथ जितने भी एम्स घोषित हुए हैं, दरभंगा के बाद भी जितने एम्स घोषित हुए हैं, सब या तो बनकर तैयार हैं या बनने के लिए वहाँ पे क्लास चालू हो चुका है और 1-2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए एक ईंट भी आज तक नहीं गाड़ा गया है। इसके लिए हमने प्रतिकार स्वरूप हम लोगों ने यह अनाउंस किया था कि हम घर घर से ईंटा लाएंगे और दरभंगा एम्स बनाएंगे, और हमने प्रशासन को आवेदन दिया था कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग गाँव-गाँव से आए कि हमारे जितने भी सेनानी हैं, समर्थक हैं, अभिभावक हैं, महिलाएं हैं, बहन हैं, सभी आएंगे और हम लोग प्रतीकात्मक रूप से शिलान्यास करेंगे। लेकिन प्रशासन ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी है। प्रशासन ने कहा है कि अगर शिलान्यास हम करेंगे तो हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम यहाँ प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन प्रशासन से डरती नहीं है, हमें डर जनता से होता है। इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम सिर्फ जनता से डरते हैं, जनता की बातों को मानते हैं। तो हमारा जो पूर्व कार्यक्रम है कि हम 8 को जाएंगे और शिलान्यास करेंगे, वो तो हम करेंगे, लेकिन प्रशासन से हमने वार्ता अभी फिर किया है
और प्रशासन ने कहा है कि आप संख्या कम करिए, क्योंकि 8 तारीख को एग्जाम भी है एल्युमिनियम शहर में और कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो हम प्रशासन की इस बात से सहमत हुए हैं कि हम 5,000 की जगह पे 1,000 या 1,500 लोगों के साथ आएंगे और हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। अब प्रशासन को यह फैसला लेना है कि प्रशासन एक कदम आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो हम करेंगे ही। हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, हम शिलान्यास इसलिए करने जा रहे हैं ताकि सरकार को हम जगा सके। जनता को तो हमने जगा दिया है, अब सरकार को जगाना है कि 6 साल में आप एक ईंट नहीं गाड़ सके, एक ईंट की तो बात छोड़िए, 6 साल में आप जमीन भी ट्रांसफर नहीं करवा सके। वहां अभी भी आप देखेंगे तो DMCH के SBI जो है ब्रांच वहां पे चल रहा है, अभी तक उस ब्रांच को नोटिस तक नहीं गया है कि आपको हटाना है या खाली करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कोसी नदी पे आप लोगों को मालूम होगा कि पुल बनना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका जो है उद्घाटन किया, शिलान्यास किया था, और मोदी जी ने जो है उद्घाटन किया है, तो हमें डर है कि एम्स भी कम से कम उसी तरह से 15 या 20 साल में बनेगी। इसलिए हम लोग सचेत हो गए हैं, हम लोग स्वतः मिथिला के लोग अब जग चुके हैं। और DMCH स्वास्थ्य की बात करें तो 2016 में DMCH में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत DMCH को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पास हुआ। 150 करोड़ की लागत से 1.5 साल में वो काम पूरा करना था, 2016 में प्रस्ताव पास हुआ और 2018 के मध्य में वो काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक DMCH में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो जो हमारे पास्ट का अनुभव है इससे हमें यह मालूम है और साफ प्रतीत होता है कि अगर मिथिला के लोग एम्स के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो एम्स भी 15 साल में 20 साल में बनेगा और एक ही मुद्दे पे ये वोट लेंगे। इसीलिए हम लोग हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं एम्स का जो प्रस्तावित स्थल है कर्पूरी चौक वहां पे करने। अच्छा, एम्स का शिलान्यास करने के बाद आप लोग जैसा कि कह रहे हैं कि सरकार विलंब करेगी, तो आप लोग इसका निर्माण भी शुरू करेंगे? देखिए, एम्स का निर्माण तो सरकार करवाएगी, हम सांकेतिक करने जा रहे हैं। एम्स का निर्माण तो सरकार को करवाना है और सरकार से हम करवा के रहेंगे। ये हमारा पहला कार्यक्रम है, इसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे और हम अगले कार्यक्रम की भी घोषणा करेंगे। जब तक एम्स नहीं बनेगा हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिखित में जो हमारे पास आज के दिन में लेटर है, अनूप मैथिल, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष MSU, लोग जा रहे हैं, किस तरह का सपोर्ट है आप लोगों का? हम लोगों का पूरा सपोर्ट है, पूरी हम लोग इनके नैतिक समर्थन में है, जन समर्थन में है। और MSU और MRNS कोई दो अलग संस्था नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, एक ही फुलवारी के फूल हैं हम लोग। और यह तो जनता की मांग है, इस मांग कौन सी अनुचित बात कर रहे हैं MSU के लोग, मुझे ये बताइए आप, कौन सी अनुचित बात कर रहे हैं? सरकार का काम है, नेताओं का काम है केवल घोषणा करना, घोषणा करके वोट ले लेना और पागमाला दुपट्टा बेचते रहना, ये काम है राजनेताओं का। राजनेताओं का काम है कि जनता की जो आकांक्षा है, उसकी जो एस्पिरेशंस है, उसको फुलफिल किया जाए। तो वो एस्पिरेशंस तो फुलफिल नहीं है, जैसा बताया MSU के जो संस्थापक अध्यक्ष ने जो बताया है आपको, 6 साल बीत गए, वो क्या चाहते हैं कि 60 साल बीत जाए? मिथिला के प्रति उनकी कोई दायित्व, उनका दायित्व तो नहीं है। बिहार सरकार का काम केवल राजगीर और नालंदा है, उधर के ही तरफ उनको दिखता है क्या? मिथिला के तरफ देखने के लिए उनके पास दृष्टि बाधित हो जाती है। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता फिर क्या करे? इसके पीछे क्या मंशा? उसकी मंशा यही है बिहार सरकार की, बिहार सरकार के लोगों को और केंद्र सरकार के लोग केवल वोट लेना जानते हैं। वो सहानुभूतिपूर्वक कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़ाकर वोट लेना जानते हैं। क्षेत्र विशेष की कभी भी किसी भी जो उनकी जायज मांग होती है वो जब तक उनके फायदे के लिए नहीं होती है तब तक वो नहीं मानेंगे। घोषणा करके एक बार उन्होंने वोट ले लिया, पूरा मिथिला से जीत गए NDA के कैंडिडेट, अब एक बार वो एक ईंटा गाड़ देंगे, अगली बार फिर जीत जाएंगे, उसके बाद 4 ईंटा गाड़ेंगे, यही काम होता है क्या? तो आप इनके शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भी होंगे? एकदम शामिल होंगे, तन मन धन पूरी ताकत के साथ इसके साथ हम लोग खड़े हैं। शिलान्यास ये करें, निर्माण काम सरकार का करना है, सरकार हाथ खींच लेगी तो मिथिला के लोगों में इतनी ताकत है, जिन हाथों में इतनी ताकत है कि वो सरकार बनाए, तो उन हाथों में इतनी ताकत है कि वो अपने लिए एम्स का निर्माण भी करे। आज केंद्र सरकार घोषणा कर दे कि उसका सामर्थ्य नहीं है यहाँ एम्स बनाना, मिथिला के लोग आगे बढ़कर अपने लिए खुद का एम्स बनाए। नाम बताइए। मेरा नाम राजेश झा। क्या है आप? मैं मिथिला राज्य निर्माण सेना का जनरल सेक्रेटरी। R9 भारत के लिए सुमित झा की रिपोर्ट दरभंगा से।
जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत सखुआ में रविवार को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आवासीय रेखा पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर में प्रथम उपराष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को केक काटकर मनाया गया। वहीं आवासीय रेखा पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर इंजीनियर राजेश कुमार ने बताया कि आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राओं ने धूमधाम से मनाया और उन्होंने कहा कि आज के ही दिन हमारे पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, इसीलिए हम लोग आज के दिन बड़े ही धूमधाम से इनके जन्मदिन को मनाते हैं। और उन्होंने सभी शिक्षक गण और छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया। आइए और आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। सर आज क्या है और किस चीज का यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है? आज सर शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को हम सभी लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं क्योंकि आज के ही दिन हमारे पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति महामहिम श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, और इसलिए हम लोग आज के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज जहां हम लोग बैठे हुए हैं ये हमारे निजी स्कूल आवासीय रेखा पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर, और साथ में उपस्थित हमारे सम्मानित शिक्षकगण विद्यार्थीगण उपस्थित हैं और हमारे पत्रकार महोदय भी यहाँ आए हुए हैं, इसलिए हम लोग केक काट करके शिक्षक दिवस मनाएं और इसी बहाने हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हैं। कौन सा स्कूल है सर ये? ये आवासीय रेखा पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर सखुआ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार, जो हम इस स्कूल पे डायरेक्टर के पद पे अभी हैं। सर ये क्या चीज का प्रोग्राम किया जा रहा है यहाँ पे? आज हम सभी जानते हैं कि हमारे आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1818 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने अपने 1888 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए भारतवर्ष के सभी शिक्षक को सौंपा और सभी छात्र मिलकर हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन को 5 सितंबर को मनाते हैं। तो हम सभी उसी का जन्मदिन को याद करते हुए मनाते हुए यहाँ एक साथ उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपके स्कूल का? मेरे स्कूल का नाम आवासीय रेखा पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर सखवा भवानगमा त्रिवेणीगंज सुपौल। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार और सूरज सर। क्या है सर आपके स्कूल का? मैं इस विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। R9 भारत के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट त्रिवेणीगंज से।